के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेकर आए हैं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को बहुत ही खूबसूरत, गोरा और एकदम आकर्षक बना सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि वो खूबसूरत दिखे, उसके चेहरे पर दाग धब्बे ना हो, पिंपल्स के दाग ना हो, झुर्रियां और झाइयां बिल्कुल भी ना हो। हर इंसान यही चाहता है और इसके लिए न जाने कौन कौन से प्रोडक्ट अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल भी करता है, जिसकी वजह से नेचुरल ब्यूटी जाती रहती है क्योंकि उनमें केमिकल्स बहुत होते हैं। आज जो हम आपके लिए नुस्खा लेकर आए हैं वो बिल्कुल आयुर्वेदिक है और प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आज के इस नुस्खे में हमें चाहिए चंदन का पाउडर और थोड़ा सा एलोवेरा जेल। दोस्तों, आप इन दोनों के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को बहुत ही खूबसूरत और गोरा बना सकते हैं और खूबसूरती पा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। दोस्तों, ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपके चेहरे को कुछ ही दिन के इस्तेमाल से दूध के जैसा गोरा बना देगा और लोग देखते रह जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा चंदन का पेस्ट डालें। चंदन मार्केट में मिलना बहुत आसान है, किसी भी मेडिकल शॉप से आप ले सकते हैं या ब्यूटीशियन की शॉप है वहां से ले सकते हैं। आप इसमें से थोड़ा सा, जितना आपके चेहरे पर जरूरत हो उतना आप इसमें चंदन का पाउडर लें। इतना काफी है और इसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाएं। ताकि ये इतना एलोवेरा जेल मिलाएं इसमें ताकि ये बहुत ही अच्छा सा मुलायम सा पेस्ट बन सके। ठीक है, इसमें 2 चम्मच हमने एलोवेरा जेल डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करके रखें, बस देखते ही देखते आपके चेहरे के लिए फेस पैक बनकर बिल्कुल तैयार है चंदन का। दोस्तों, एलोवेरा और चंदन हमारे स्किन के लिए दोनों ही बहुत ही बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसको इस तरह से मिलाकर एक बारीक सा मुलायम सा पेस्ट बना लें। ये लीजिए, ये आपके चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। ये बनकर तैयार है। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसे मिलाने के बाद अब हमारा फेस पैक बनकर तैयार हो चुका है। इससे अब आपको अपनी स्किन पर 20 से 25 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है और इसके बाद ताजे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। दोस्तों, ये एकदम प्राकृतिक है, जैसा हमने पहले भी बताया था आपको, नेचुरल फॉर्मूला है। स्किन की टोन को वाइट करने के लिए, और आप इसका यूज रोजाना भी कर सकते हैं, ये बहुत ही गजब का नुस्खा है। दोस्तों, ये जो फेस पैक बनकर तैयार है, इससे अपनी पूरी स्किन पर अच्छे से मसाज करें। आप चाहे तो अपने गर्दन के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, नहीं तो होगा ये कि इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा तो एकदम गोरा हो जाएगा दूध के जैसा और गर्दन का कलर जो है वो अलग दिखाई देगा। इसलिए आप जब चेहरे पर इसको लगाएं तो गर्दन के ऊपर भी लगा लें। दोस्तों, 15 से 20 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और ये गजब का ऐसा नुस्खा है कि आपको एकदम चेहरे को दूध की जैसा वाइट बना देगा। लेकिन इसमें आपको हर रोज ये इस्तेमाल करना है। वक्त चाहे जो भी हो, सुबह से रात तक आप किसी भी वक्त इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने चेहरे को पानी से धो लें और उसके बाद आप इसको लगाएं। इसको लगाने के बाद जब आप मसाज करके ख़त्म कर लें तो उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ें।
ताकि ये अच्छे से सूख जाए आपके चेहरे के ऊपर, और उसके बाद फिर पानी की सहायता से आप अपने चेहरे को ताजे और ठंडे पानी से धो लें। और इसको धोने के बाद, उसके तुरंत बाद आप कोई भी फेस वॉश या साबुन यूज ना करें अपने चेहरे को धोने के लिए, ठीक है, उसको ऐसे ही रखें। और कुछ दिन के इस्तेमाल से आपका हकीकत में चेहरा बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप इसे हर रोज इस्तेमाल करें, एक भी दिन बीच में ना जाने दें, नहीं तो आपके किए धरे पर पानी फिर जाएगा और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। और लगातार इसको कम से कम 20 दिन तक यूज करें और देखते ही देखते आपका चेहरे की रंगत बदल जाएगी और आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा, आपका चेहरा दूध की तरह सफेद और बिल्कुल गोरा बन जाएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमारा यह उपाय, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Hey, call. Hey.